नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। और टेस्टी न्यूज में हम आज आपको लेकर चलते हैं उदयपुर, और ये है कमलेश जी। बताते हैं इनके बारे में थोड़ी सी देर में। तो ये जानते हैं कमलेश जी के बारे में। कमलेश जी हैं फतेह सागर लेक के पास। फतेह सागर की मार्केट का दृश्य आप देख रहे हैं इस समय। फतेह सागर में कहीं भी आप हों, एड्रेस भी मैं आपको दूंगा, लेकिन अगर आप फतेह सागर में कहीं पे भी होंगे तो आप ये देखिए, इस दुकान के बारे में पूछेंगे किसी से भी। यह है पंडित जी के ब्रेड पकौड़े की दुकान, और अगली फोटोग्राफ या वीडियो जो आपके पास आने वाली है वो ब्रेड पकौड़े की ही आने वाली है। तो कमलेश जी टी स्टॉल पर हैं हम, जो कि ब्रेड पकौड़ा देते हैं ताज़ा मिर्ची के साथ। आपको अंदर का स्वाद भी देने की कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे ब्रेड पकौड़ा किस तरह का होता है, कैसा उसका स्वाद है। काफ़ी बढ़िया तरीके से बना हुआ था, अंदर मसाला जो था उसमें ज़्यादा मिर्ची नहीं थी, बहुत सही तरीके से। तो अब आप जानते हैं सब हेल्थ कॉन्शियस है, तो हमने भी थोड़ा सा उसका तेल निकालने की कोशिश करी, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ था, और साथ में थी गर्मा गर्म चाय। तो कमलेश टी स्टॉल है मोती मगरी के बिल्कुल बाहर, फतेह सागर लेक रोड, उदयपुर राजस्थान में। सुबह 10 बजे से लेकर 9:30 बजे तक ही खुला होता है, और आप ये ब्रेड पकोड़े का जो स्वाद है वो चख सकते हैं मात्र 10 रुपए में। और अब जो आप देख रहे हैं वो अंदर का मसाला देख रहे हैं कि किस तरह से इसके अंदर मसाला भरा हुआ है, और इतना मसालेदार होने के बावजूद भी जो मिर्च थी वो इतनी नहीं थी। और ये मिर्च जो है वो फ्राइड मिर्च है दोस्तों, मिर्च के ऊपर फ्राइड करके उसके ऊपर नमक लगाया गया हुआ है। और आपको टेस्ट हम चाय का भी देंगे, चाय भी अच्छी थी लेकिन ब्रेड पकोड़े का जवाब नहीं था। और जब ब्रेड पकोड़ा और चाय दोनों साथ मिलते हैं तो वो फिर कमाल कर जाते हैं दोस्तों। ये हैं पंडित जी, यानी कि कमलेश टी स्टॉल, 25 साल से यहाँ पर हैं। और बेसिकली इनका कहना है कि 1990 के अंदर ये अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आए थे, अपने पिताजी के साथ। 1992 में कमलेश जी ने ही बेसिकली 1992 के अंदर जो था, इनके पिताजी ने चाय बनाना शुरू किया। 1990 में उदयपुर से आए थे और चाय का काम शुरू किया 1992 में। और उसके बाद कमलेश जी का मानना ये भी है कि लोगों को जो ज़्यादातर पसंद है वो है साफ़ सफाई, और साथ ही साथ लोगों का व्यवहार। स्वाद तो एक अपने आप में चीज़ है ही, जो चाहिए ही चाहिए है, लेकिन ये दो चीज़ें भी जब मिल जाती हैं तो फिर जो परोसने का है वो मज़ा आ जाता है, ऐसा है इनका कहना। और फतेह सागर लेक में अगर आप पहुंच जाएंगे और उसके बाद अगर आप किसी से पूछेंगे कि कहाँ हैं, तो फिर मेरे ख्याल से आपको मुश्किल नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं इस समय कमलेश जी किस तरह से ये ब्रेड पकौड़ा डाला इन्होंने, और आप देख सकते हैं हाथ वाथ सब बिल्कुल सही सटीक बैठे हुए हैं कि कब जाना चाहिए और कब नहीं। इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ सुबह से लेकर शाम तक लगी रहती हैं, जैसे कि किसी शादी के अंदर ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही हो, बिल्कुल उसी तरीके से। और फिर आप देखेंगे कि रात को कभी कभी सामान नहीं भी मिलता। ये अब आपको बताते हैं कि ये तो ब्रेड पकौड़े का हिसाब किताब हो गया, थोड़ा सा मैं आपको चाय के बारे में भी बता देता हूँ, कमलेश टी स्टॉल की चाय कैसी होती है। भाई हमारे हिसाब से जब इन्होंने बनाना शुरू किया तो बिल्कुल वैसे ही तरीका था जैसे कि आप घर में भी बनाते होंगे, लेकिन वही बात है कि चूल्हे के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है, बनाने वाले के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। तो अगर आप सारी चीज़ें देखेंगे, माहौल देखेंगे, फतेह सागर लेक बिल्कुल सामने है, लेक के बिल्कुल सामने आप इस चाय का लुत्फ़ उठा रहे हैं, इस ब्रेड पकौड़े का लुत्फ़ उठा रहे हैं, तो फिर वो स्वाद जो है वो बढ़िया हो ही जाएगा। आप देख सकते हैं गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े एक गैस के ऊपर तले जा रहे हैं, और साथ ही साथ गर्मा गर्म चाय जो है वो दूसरी गैस पर परोसी जा रही है। आइए जरा आप लुत्फ लीजिए इस चाय के बनने का। तो दोस्तों जब तक आप लुत्फ ले रहे हैं, आप इस चीज को देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की स्वादिष्ट व्यंजन की जानकारी जो है वो मिलती रहे। और साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करिए उन फूडीज के साथ। टेस्टी न्यूज़ को आप जानते हैं, अब टेस्टी न्यूज़ है हमारे चैनल का नाम, तो जितने से ज़्यादा लोगों को आप ये शेयर कर सकते हैं, उनको लाइक करने के लिए कह सकते हैं, वी विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। कमलेश टी स्टॉल पर आपका होना चाहिए अगला हॉल्ट, अगर दिल करे ब्रेड पकौड़े और चाय पीने का, फतेह सागर लेक। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।